राहुल जी ने इंडिया गठबंधन खड़ा किया, भारत जोड़ो यात्रा की, देश के अंदर एक माहौल बनने का काम हुआ, निश्चित रूप से माहौल बना। और आज विधानसभा के चुनाव ने, नतीजों ने साबित भी कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नाव डूब रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। मेरे परिवार के लोगों, ना ही सुबह आखिरी है, ना ही शाम आखिरी है, जुल्म की जहां हो कसरत वो निजाम आखिरी है। किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है और अल्लाह की जात से कभी किसी को मायूस होना भी नहीं चाहिए। और मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह मायूस नहीं होता हूं। आप लोगों की ताकत, आप लोगों का हौसला, आप लोगों की हिम्मत लड़ने का हौसला देने का काम करती है। वोट आप लोग डालने का काम करते हो, ये पार्टी में भर करके वोट लखनऊ और दिल्ली की पार्टी नहीं लेकर के आती है। ताकत आपके अंदर है, बस आपको जगाना चाहता हूं। हनुमान जी को भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था और जब पहाड़ उखाड़ने गए तो पहाड़ उखाड़ करके लिया है। कोई ताकत आपके अंदर है, जब आप हौसला कर लोगे, हिम्मत कर लोगे, तो आपके मुकाबले लाने वाला हर तूफान आपसे टकरा कर चूर चूर हो जाने का काम करेगा। लेकिन बशर्त यह है कि आप अपने अंदर हौसला पैदा करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपने हौसलों को मजबूती दे दो। आप हमारी ताकत हो, आपके बलबूते पर ही देश का कौन सा ऐसा नेता है जो मुझे नाम से नहीं जानता। चार चार पांच पांच बार चुनाव हराने के बाद भी अगर जिले के अंदर कयादत है तो कयादत आपके नाम के ऊपर है। उसके पीछे अगर कोई वजह है तो उसकी वजह है मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे दोस्त, मेरे भाई। और अगर आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहने का अहद ले लोगे तो सब झुक करके आपके सामने आने का काम करेंगे। मैंने बहुजन समाज पार्टी में जाने का निर्णय लिया, ये सोच करके फैसला लिया था कि साहेब मान्यवर काशीराम ने दलितों की, शोषितों की, वंचितों की और देश के अंदर रहने वाले बहुजन समाज की बात की, देश के अंदर रहने वाले लोगों को बराबरी का हक दिलाने की बात की और समाज के उस सबसे गरीब तबके की हिमायत करने का काम किया। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी में जाने का फैसला किया। बहन जी का शुक्रगुजार हूं कि बहन जी ने मुझे छोटे भाई की तरह सम्मान दिया और शायद किसी के सर पर हाथ नहीं रखा, लेकिन मेरे सर के ऊपर हाथ रख करके उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ जाकर के लड़ाई लड़ो। और मैंने ईमानदारी के साथ अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर और जनवरी तक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जाकर के सम्मेलन करके एक चर्चा शुरू करा दी थी, पार्टी की चर्चा होने लगी। लेकिन जनवरी के बाद मुझे कहा गया कि आप जाओ, आपको लोकसभा लड़ना है और सहारनपुर जाकर के तैयारी करो। मैं सहारनपुर आ गया। मेरी समझ में नहीं आया कि बहुजन समाज पार्टी जीतना क्यों नहीं चाहती। मेरी समझ में नहीं आया, जब तक आप समाज के रहने वाले तमाम लोगों को साथ लेने का काम नहीं करोगे तब तक कैसे संभव है कि आप समाज के अंदर कुछ समाज के लिए कर सको। और जिस समाज का प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी करती है उस समाज के अंदर सबसे ज्यादा लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग परेशान है, कोई आदमी सुनने वाला नहीं, कोई कार्यकर्ता उनकी सुनता नहीं। पार्टी कार्यालय के ऊपर मैंने कहा था कि सबकी ड्यूटी लगनी चाहिए, सब बैठने का काम करें। पार्टी कार्यालय पर कोई बैठता नहीं, केवल एक ही वहां पर काम चलता है और वो काम बस किताबें किताबें किताबें, इसके अलावा दूसरा काम चलता नहीं। तो ये मूवमेंट, ये आंदोलन जिसने परिवर्तन लाने का काम किया उसने दम तोड़ दिया 2022 के इलेक्शन में। और मैंने कहा था कि हमें गठबंधन के अंदर जाकर के चुनाव लड़ना चाहिए और जो मैंने बात कही वो बात 100% साफ साबित हुई है। हमेशा आपको याद होगा, आप सब लोगों ने बहुत नारा लगाया था समाजवादी पार्टी में मुझे ले जाने का। और अगर याद करके देखो स्टेटमेंट, मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी 125 सीट से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। आप लोग सरकार बनाने के जुनून में पागल हो रहे थे और मुझे भी ला करके खड़ा कर दिया दौड़े के ऊपर। मैंने आपकी सुनी, आपकी सुन करके मैंने फैसला सियासी लेने का काम किया, क्योंकि मेरा बात ताकत, मेरी वजूद, मेरी हैसियत सब मेरे साथियों के साथ है। मैंने आपकी बात के ऊपर फैसला लिया, फिर बहुजन समाज पार्टी में चुनाव लड़ा इस नियत के साथ
कि सहारनपुर में दलित मुस्लिम समीकरण के ऊपर हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। हम चुनाव जीत गए, हम चुनाव हारे नहीं, हमें जबरदस्ती हराया गया, जबरदस्ती हरा दिया गया। अगर बैलेट से चुनाव होता तो शायद हारते भी ना। लेकिन 17 के 17 नगर निगम ईवीएम से थे और सारे नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत करके चली गई। साथियों, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी के लोग जिस किताबों की बात करते हैं, इनके तमाम तर वार्ड के अंदर जो बड़े बड़े नेता जहां रहते हैं, उन वार्ड के अंदर उस तरह वोट नहीं पड़ा जिस तरह पड़ना चाहिए था। मैंने शिकायत की कि मूवमेंट कमजोर हो रहा है, यह आंदोलन कमजोर हो रहा है। और यह मूवमेंट और आंदोलन केवल एक पार्टी के लिए नहीं, यह मूवमेंट और आंदोलन देश के अंदर रहने वाले गरीबों के लिए चलना बहुत जरूरी है। और हमने कहा कि गठबंधन के अंदर आपको जाना चाहिए, बस यही खता हो गई मुझसे। हमने कहा कि गठबंधन में जाना चाहिए, क्योंकि गठबंधन के अलावा मुझे नजर नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर यह सत्ता परिवर्तित हो पाएगी। राहुल जी ने इंडिया गठबंधन खड़ा किया, भारत जोड़ो यात्रा की, देश के अंदर एक माहौल बनने का काम हुआ, निश्चित रूप से माहौल बना। और आज विधानसभा के चुनाव ने, नतीजों ने साबित भी कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नाव डूब रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए जा रही है कि देश के अंदर रहने वाला गरीब, देश के अंदर रहने वाला किसान, देश के अंदर रहने वाला मजदूर, देश के अंदर काम रहने वाला छोटा दुकानदार, देश के अंदर छोटा व्यापारी आज सबसे ज्यादा परेशान है। घोड़ा बुग्गी में टायर डलवाने जाएगा तो 28% जीएसटी लगने का काम होगा। यूपीए की सरकार के अंदर यह 8% हुआ करता था, 28% जीएसटी लगने का काम होगा। मर्सिडीज का टायर पड़ेगा उस पर भी 28% है, और घोड़ा बुग्गी के मजदूर का टायर पड़ेगा उसके ऊपर भी 28% है। एमएसपी का वादा किया था किसानों के साथ, कानून बनाकर के गारंटी देने का काम किया जाएगा, यह वादा माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। उस वादे के ऊपर सवाल पूछोगे तो आप गद्दार कहलाओगे। प्रधानमंत्री जी यशस्वी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, देश का गरीब रो रहा है, देश का गरीब परेशान है, देश का किसान मजबूर है कि उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और ये हालात इसलिए बने हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर घोसी विधानसभा चुनाव हुआ, घोसी विधानसभा चुनाव के अंदर एक तरफा जीत होने का काम हुआ, इंडिया गठबंधन जीता। अब आपको असली बात के ऊपर इसलिए लाना चाहता हूं कि कहीं कोई गठबंधन जीत रहा हो, लेकिन अगर यहां संबंध हमारा हमारा बंधन मजबूत रहा तो गठबंधन भी आपके आगे बात करेगा, दूसरे लोग भी आपसे आकर के बात करेंगे। अगर आपने अपनी ताकत को ना समझा तो ना आपको कोई पूछेगा ना कोई मुझे पूछने का काम करेगा। लड़ाई बिल्कुल साफ है, 4,10,000 वोट मिला था मुझे पिछली बार, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक बात साफ कर लूं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने शामली के, जिन लोगों ने मुझसे लगातार फोन कर करके समर्थन देने की बातें कही। लेकिन मेरी कर्म भूमि सहारनपुर है और सहारनपुर को छोड़ना मेरे लिए इतना आसान नहीं। कैराना मेरी जन्मभूमि है, गंगो का मैं रहने वाला हूं, लेकिन कर्म भूमि मेरी सहारनपुर लोकसभा है, जहां मैंने पिछले 25 साल से लोगों की खिदमत की है। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने तय कर लिया, छोटे एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। 4,10,000 वोट मिला था 2014 के चुनाव में, तूफान चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, 42,000 वोट से मैं चुनाव हारा था, सिर्फ 42,000 से उस 42,000 वोट का प्रबंध करना है। अब इतना ना तूफान है ना आंधी है, अब तो दूसरी तरफ चलने का काम हो रहा है। और अगर ये वोट का इंतजाम आपने कर लिया तो सीट आपकी बिल्कुल साफ है साथियों, लेकिन ये सीट आपको मिलेगी तब एक बात तय करनी पड़ेगी। आजाद उम्मीदवार जिताया था, हम हर सूरत में चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह जरूर लड़ेंगे। कुछ हल्की आवाज अगर साथी करेंगे तो यकीन जान लीजिए कोई पूछने वाला नहीं होगा। हर सूरत में चुनाव लड़ा जाएगा, ये फैसला भी कल को करना है, परसों को करना है। और आपने फैसला कर लिया कि हर सूरत में चुनाव लड़ेंगे तो फिर साथियों सब पार्टी आपसे बात करने का काम करेगी। मैं अकेले फैसला नहीं करता हूं,
इसीलिए हमेशा सब साथियों को बुला के मशवरा किया, और आप लोग मेरा घर हो, आप लोगों का किस लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं मैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। ये पिछला नगर पालिका का चुनाव इतना खतरनाक गया, एक ही दिन आया था मैं आपके पास, और आप लोगों ने एक बात तय कर करके चुनाव के नतीजे के अंदर साबित कर दी कि आप जान निछावर करने वाले लोग हो, आप उस हालात में भी साथ देने वाले लोग हो जब सब साथ छोड़ दें। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 10 तारीख को फैसला होगा सहारनपुर में, अगर यह फैसला होगा कि सहारनपुर से चुनाव लड़ना है तो यह आपके लिए जरूरी है कि कहां कहां रिश्तेदारी है मुझे ना बताना पड़े, आप अपनी रिश्तेदारी अपने आप छांट लीजिए और जाकर के फैल जाइए। चुनाव को जितना माइक्रो लेवल के ऊपर हम लड़ने का काम करेंगे, नतीजे उतने अच्छे आने का काम होगा। 1300 बूथ है जो देहात के शहर को छोड़ करके, लगभग 1300 बूथ, 1300 बूथ के ऊपर अगर आप लोगों ने, कितने आदमी चाहिए 1300 बूथ के लिए, एक आदमी के पास 10 बूथ हुए तो 1300 बूथ के लिए चाहिए 130 लोग, 130 जांबाज वर्कर आपके बीच में से जो ये तय कर लेंगे मुझे अपनी रिश्तेदारी क्यों गांव के अंदर रहना है, उस गांव गांड के अंदर रहना है जहां मेरी रिश्तेदारी है, और 1300 बूथ के ऊपर जाकर के सिर्फ 50-50 60-60 वोट का टारगेट कर लो, 100-100 वोट का टारगेट कर लो, और आप अरे रईसुद्दीन चुपचाप खड़ा हो रहा है, जब आप ये तय कर लोगे तो ये 65,000 वोट का इंतजाम आप ऐसा कर दोगे जो वोट आपको नहीं मिला था और वो वोट आपको मिल जाएगा। माइक्रो लेवल के ऊपर मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ेंगे। क्या पार्टी बाल्टी भर के वोट देती है क्या? कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के 3-3 विधायक थे, अभी ये संदीप बता रहे थे कांग्रेस से निकला तो नतीजा क्या हुआ था। समाजवादी पार्टी में थे तो 32,000 वोट से चुनाव जीती थी समाजवादी पार्टी, 1,35,000 वोट मिले थे शहर में, और जब समाजवादी से निकल कर गए तो 22,000 के ऊपर आ गए। ये दम है आपके अंदर, ये ताकत है आपके अंदर, अगर अपनी ताकत को अपनी हिम्मत को नहीं समझोगे तो मुखालिफ के ऊपर जब तक अपने आप रौब गालिब नहीं करके रखोगे वो आपको डराने का काम करेगा, वो आपको धमकाने का काम करेगा, और इमरान मसूद डरेगा नहीं, दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। मरना पसंद करूंगा, 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से 1 दिन शेर की जिंदगी बेहतर, कभी दबूंगा नहीं। अपने उसूलों के ऊपर हमने जिंदगी में राजनीति की है, सियासत की है, उसूलों के ऊपर बात की है। मैंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए वादा किया बहन जी से कि बहन जी मैं जीवन में इन लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा, और मंच से भी वादा करता हूं बहन जी आपसे किया हुआ वादा जिंदगी भर निभाने का काम करूंगा, बड़ी बहन माना है बड़ी बहन मान करके आपको आपसे किए हुए वादे को निभाने का काम करूंगा, कि मैं गरीबों की हिमायत के अंदर अपनी जिंदगी को लगाने का काम कर दूंगा। और दलितों को भी कहना चाहता हूं ये घर, ये पंचायत, ये बैठक, ये सब तुम्हारा है, इसे अपना घर समझ करके आना। बहन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने रास्ता खोल दिया कि मैं दलितों के घर जा सका, वरना हम दलितों में कभी जा नहीं पाते थे, तो मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा बहन जी का। लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ये तय कर लो कि सब लोग मजबूती के साथ, क्योंकि फैसला जो होना है वो 10 तारीख को होना है और सबको आना है। ये मत सोच लेना कि इमरान ने यहां बोल दिया, बहुत सारी बातें वहां बोली जानी, समझ गए आप, फैसला वहीं होना है, पूरे देश की मीडिया वहां होगी। जब से बहुजन में आया था मीडिया वालों से ही भाग गया था, जैसे ही निकला आप देख रहे हैं कि चल रहा था वादा मीडिया पे, टीवी पे, चैनल पे, सब पे, ये टीवी चैनल की टीआरपी बढ़ती है, ये मोहब्बत है लोगों की, ये मोहब्बत है लोगों की, और पूरे देश के अंदर लोग ये बैठा शायद मैं और ये चले गया, इसे ले गया था मैं अपने साथ छत्तीसगढ़ में, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि क्या प्रोग्राम है, छत्तीसगढ़ चले गए हो, कोरबा में प्रोग्राम था, 20,000 आदमी था, वहीं बैठे बैठे फोन आया था मेरे पास मुख्यमंत्री जी के हाथ से कि क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा तुम्हारी महिमा मंडन का प्रोग्राम है, चिंता मत करो। साथियों फैसला आपसे पूछ करके होगा, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, लड़े फौज नाम कप्तान का,
हमारे यहाँ एक कोतवाल था, वो आदिल रशीद, वो कहा करता था कि लड़े फौज नाम कप्तान का। अरे लड़ना तो तुम्हें, नाम तो मेरा बिलावजा ही है, मेरा नाम बिलावजा ही है, लड़ना तो आपको है। टिकट 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 ढूंढ रहे, क्यों ढूंढ रहे भाई टिकट टिकट? पार्टी पूछेगा इमरान कहाँ, इमरान कहाँ, सब पार्टियां पूछ रहे हैं इमरान कहाँ, इमरान कहाँ, तुम टिकट मत पूछने लगना। हमने हमें लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। बताओ मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और तुम यह तय कर लो सारी पार्टियां तुम्हें पूछनी पड़ेंगी, क्योंकि ताकत वोट में है, ताकत आपकी हिम्मत में है। अगर आपने हौसला और हिम्मत दिखा करके मजबूती से खड़े रहे तो कोई ताकत आपको हराने वाली नहीं है। और फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सब लोगों का, खास तौर से गंगो की जीत के लिए। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं, जो जीत गए उनको मुबारकबाद, और जो हार गए वो मायूस ना हो। मायूस होना हमारे लिए नहीं है, मायूस हमारे मुखालिफों को होना चाहिए कि इसको कितना मार रहे हैं, मर ही नहीं रहा है। उनके ऊपर मायूसी आनी चाहिए। बहन जी ने पार्टी से निकाला और हम हंस करके जवाब दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आपका, शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। इसलिए साथियों मायूस मत होइए, संगठित रहेंगे, मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिनो गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। इसलिए साथियों मुत्तहिद होकर के इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ हम लोगों को फैसला लेना है। और 10 तारीख को एक एक आदमी की हाजिरी चाहता हूं। सब लोग आओगे कि नहीं आओगे भाई? आओगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे साथ मेहमान सहारनपुर से आए, तमाम मेहमानों से कह रहा हूं कि घर चलेंगे, यहां से घर चल करके फिर वापस जाना। टाइम बता रहे।